संपत्ति नहीं मानवता ही सबसे बड़ा धन होता है। इसका जीता जाता उदाहरण ओडिशा के कटक जिले से सामने आया है। यह घटना समाज के लिए प्रेरणादायक साबित हो रही है, जहां एक वृद्ध महिला ने महानता और बड़प्पन का परिचय देते हुए एक ऐसा काम किया है जिसके बारे में शायद ही कोई सोचे। महिला ने रिक्शा चालक के नाम अपनी 3 मंजिला घर और पूरी संपत्ति करने का फैसला किया है। हालांकि वृद्ध महिला को परिजनों से खरी खोटी सुनने को पड़ रही है, लेकिन वह अपने फैसले पर अटल है। वर्तमान समय में घर के साथ जेवरात और अन्य घरेलू सामानों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई गई है। यह कहानी 63 वर्षीय एक महिला मीनाती पटनायक की है। मीनाती कटक जिले के सुधाटा इलाके में रहती है। पिछले साल उन्होंने अपने पति कृष्ण कुमार पटनायक के देहांत के बाद मीनाती अपने बेटी कोमल के साथ घर में रहने लगी। पति के देहांत के 6 महीने बाद बेटी कोमल की हार्ट अटैक से मौत की खबर ने मीनाती को पूरी तरह से बेबस और लाचार बना दिया। ऐसे समय में मीनाती के परिजनों ने भी उसे अकेला जिंदगी बिताने के लिए छोड़ दिया। रिक्शा चालक वृद्धा सामल और उसके परिवार ने निस्वार्थ भाव और इंसानियत के साथ मीनाती पटनायक का पूरा ख्याल रखा। सामल और उसका परिवार न केवल मीनाती का अकेलापन दूर करता था, बल्कि अस्पताल से लेकर घर तक नियमित रूप से ध्यान रखता था। मीनाती पटनायक ने बताया कि मैं अपनी पूरी संपत्ति एक गरीब परिवार को दान में देना चाहती थी। मैंने अपनी पूरी संपत्ति कानूनी रूप से रिक्शा चालक सामल के नाम करने का फैसला लिया है, ताकि मेरे मरने के बाद उसे संपत्ति को लेकर कोई परेशानी न कर सके। मीनाती ने विस्तार से कहा कि मेरी बहन मेरे इस फैसले के खिलाफ है। उसका कहना है कि इस तरह से संपत्ति को रिक्शा चालक को दान देना नहीं है। मीनाती ने कहा कि मेरी बेटी कोमल की मौत के बाद परिवार के किसी भी सदस्य ने मेरा हालचाल नहीं पूछा, यहां तक कि परिवार का कोई भी सदस्य मुझसे मिलने तक के लिए नहीं आया। मीनाती ने कहा कि जब कोमल छोटी थी और वह स्कूल जाया करती थी तो बुद्धा उसका पूरा ध्यान रखा करता था। बुद्धा और उसका परिवार ने सदैव मेरा सम्मान किया है, साथ ही मेरे परिवार के लिए परिवार के सदस्यों से बढ़कर काम किया है। इस बारे में रिक्शा चालक बुद्धा ने बताया कि मैं पिछले करीब 25 सालों से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पहले घर के मालिक बाबू और बिटिया कोमल की सेवा करता था। मैं अपने रिक्शे में केवल मीनाती जी के परिवार के सदस्यों को ही अपनी सवारी बनाता था। मीनाती मैडम ने सदैव त्योहारों एवं अन्य दिनों में हमेशा हमारी मदद की है। हमने वर्षों से निस्वार्थ भाव से मीनाती जी और उनके पति के साथ बच्ची कोमल का ख्याल रखने की कोशिश की। अब केवल मीनाती जी ही इस दुनिया में जीवित हैं और हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम करना, यह उनका बड़प्पन और महानता है।